दोस्तों, आपने YouTube के ऊपर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे जिन वीडियोस के अंदर ये बताया जाता है अक्सर कर के अगर आप अपने YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको लगभग एक घंटा या दो घंटे की, कम से कम एक घंटा या दो घंटे की वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। और फिर उस वीडियो को आपके पास में जितने सारे सिस्टम्स हैं उसके अंदर मल्टीपल पेजेस पे उस वीडियो को प्ले करना होगा। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास में काफ़ी सारे PC हैं, जैसे मेरे पास में 6-7 PC, और आपको उस वीडियो को अलग अलग PC में लिंक कॉपी पेस्ट करके या सर्च करके उन वीडियोस को प्ले करना होगा। लेकिन अगर लेंथ की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग आपको रिकमेंड करते हैं कि आपके YouTube चैनल पर कम से कम 2 घंटे या 1 घंटे की वीडियो होनी चाहिए, तब जाकर आप अपने YouTube चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने देखा है काफ़ी सारे यूट्यूबरों को, वो इस टॉपिक के ऊपर यही अक्सर कर वीडियो में बताते हैं कि आप सिर्फ 1 या 2 घंटे की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखें तभी वॉच टाइम जनरेट हो पाएगा। लेकिन अपनी लैब में मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि अच्छे से मैंने एनालाइज करके देखा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने लैब की बात बता देता हूँ। जब भी मैं किसी के 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके देता हूँ, और वैसे मैं आपको बीच में बता दूँ, ड्रॉपिंग की थोड़ा जो है इश्यू चल रहा है, लेकिन मैंने अक्सर कर देखा है वीडियो में, मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया है, ना तो 1 घंटा, ना 10 मिनट, ना 20 मिनट, ना ही 5 मिनट। अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर 4 से 5 या 6-7 वीडियो हैं, मतलब ज़्यादा वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर भले ही ना हो, लेकिन 6 और 7 आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो होनी चाहिए। और वीडियो की लेंथ दोस्तों 1 मिनट या 1 मिनट से कम की, 50 सेकंड की, 30 सेकंड की या 20 सेकंड की भी वीडियो है, तो भी आप अपने YouTube चैनल के लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो की लेंथ लंबी होगी 1-2 घंटे की तभी आपके YouTube चैनल के वीडियो पर वॉच टाइम जनरेट हो पाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। वीडियो अगर 20 सेकंड की भी है या 40 सेकंड की है तो वो उतने ही टाइम में लूप होगी और उतने ही टाइम पर वो रन करती रहेगी। वीडियो की लेंथ लंबी होने से अपना टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इतनी लंबी वीडियो बनाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लॉन्ग वीडियो की वजह से भी यूट्यूब चैनल के ऊपर आती है। ऐसा नहीं है दोस्तों आप लंबी लंबी वीडियो बनाएं, लंबे लंबे बड़े बड़े ब्लॉग बनाएं 2-2 घंटे के, तो फिर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर मुसीबत भर के उसको अपलोड करें, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है दोस्तों। आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर थोड़ी लेंथ की भी वीडियो है तब भी आप 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं आपको कि ZenMate का VPN लगाओ, और ZenMate के VPN को लगाकर आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो। कुछ कुछ थ्योरी में ये चीज़ें सही भी हैं, ZenMate का VPN ठीक भी है, लेकिन ZenMate का VPN उस व्यक्ति को यूज़ करना चाहिए जिसके पास में इंटरनेट की स्पीड सबसे अच्छी हो। उससे कम अगर होती है तो वो ZenMate का VPN भी आपके एक्सटेंशन में काम नहीं करता है, और जब वो काम करने बंद लगता है, मतलब उससे काम नहीं हो पाता है, तो आपका जो वॉच टाइम है वो सारा वॉच टाइम जो है ड्रॉप हो जाता है दोस्तों, वो बचता नहीं है। इसलिए मैं तो यहाँ पर ZenMate का यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास में हाई स्पीड का इंटरनेट ज़रूर है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी अगर इंटरनेट में ब्रेक लगता है तो दोस्तों उसकी वजह से वो जो ZenMate का VPN होता है एक्सटेंशन में जिसको हम रन करते हैं, तो वो वॉच टाइम में ड्रॉपिंग ला देता है, मतलब वॉच टाइम को ड्रॉप कर देता है, तो उससे कोई फ़ायदा इतना है भी नहीं। अगर जिसका इंटरनेट कंटिन्यू चलता है तो उसको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर है, जिसका कनेक्शन आउट ना होता हो 1 सेकंड के लिए भी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप वॉच टाइम कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने देखी है कि वॉच टाइम को, जैसे एग्जाम्पल मैंने 10 कंप्यूटर में वॉच टाइम लगाया और उसमें वीडियो को मैंने प्ले कर दिया, तो दोस्तों वीडियो जो आपका कंप्यूटर होता है उन कंप्यूटर का अलग अलग IP एड्रेसेस होना चाहिए। अब अलग अलग IP एड्रेसेस को आप किस तरह से अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं वो तो आप VPN के थ्रू कर सकते हैं। आप कोई ऐसा VPN देखिए जिसके अंदर अलग अलग सर्वर्स हों, कम से कम आपके पास में अगर 10 सिस्टम हैं तो 10 सर्वर्स आपको, यानी 10 कंट्री यानी 10 IPs यूज़ करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका वॉच टाइम बच सकता है, वरना आपका वॉच टाइम हमेशा ड्रॉप ही होता रहेगा। जैसे आज आपने जनरेट कर दिया 4000 घंटे, या आपने 2000 घंटे जनरेट किए हैं, तो दोस्तों आपका जो वॉच टाइम होता है अगले दिन ड्रॉप हो जाता है। 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए आपको दोस्तों अलग अलग सर्वर्स का यूज़ करना चाहिए। कभी कभी मेरे यहाँ पे इस तरह का इश्यू चल जाता है कि वॉच टाइम ड्रॉप हो जाता है, लेकिन मेरे यहाँ पर काफ़ी दिनों से इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है। कभी यहाँ पर हवा चल जाती है, कभी मतलब मौसम ख़राब होने की वजह से इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि केबल वाली लाइनें होती हैं तो इनमें अक्सर कर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी कभी डिवाइसेस में भी यहाँ पर डिस एक्सेस देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से कभी कभी ड्रॉपिंग का इश्यू आ जाता है। बाकी जिन लोगों के यहाँ पर मैंने काम ले रखे हैं तो उनको कभी कभी यहाँ पर 1 से 2 या 3 दिन लेट हो जाता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर काम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा टाइमिंग में डिले हो जाता है।
वरना वो उस टाइम ड्रॉपिंग का जो इश्यू है वो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ से नहीं आता। लेकिन दोस्तों आता भी है लेकिन इतना नहीं आता, वो कभी कभी तब आ जाता है जब हमारे यहाँ से इंटरनेट का कनेक्शन आउट होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने इस वीडियो में इसलिए आया था कि काफ़ी लोग जो है अपने चैनल के ऊपर 4000 घंटे पूरे करने के लिए बहुत सारे लोगों की वीडियो देख कर आते हैं और अक्सर कर मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर वीडियो जो है कितनी लेंथ की बनाओ, एक घंटा या दो घंटा की। तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इतनी टेंशन मत लो, एक 6 मिनट की वीडियो बनाओ, उसके 6 भाग कर लो और एक एक मिनट की उसको करके अपलोड कर दो एडिट करके। बस ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, 6 मिनट की वीडियो बनाकर उसके 6 भाग करके आपको चैनल के ऊपर अपलोड करके उस चैनल का लिंक मुझे दे देना है। उस 6 एक-एक मिनट की वीडियो पर भी मैं 4000 घंटे का जो वॉच टाइम है कंप्लीट आसानी से कर सकता हूँ। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।